पग पग चलूं इस तरह के विकास हो जाए, सपनों की उमंगों को नया आयाम मिल जाए। ये सोच है महान राजनीतिक रमेश पोखरियाल निशंक। एक साहित्यकार होते हुए भी निशंक जी ने अपना योगदान राजनीति के क्षेत्र में दिया। निशंक यानी निर्भय, जिनके नाम में ही निर्भय की संज्ञा हो, उनके कदम भला कहां रुके। अपने आप को एक कवि साहित्यकार मानने वाले सादगी से भरे निशंक जी को कभी ये नहीं लगा कि वो राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएंगे। अपने को दो छोर में समाहित करने वाले रमेश पोखरियाल की जीवन यात्रा बेहद ही संघर्षपूर्ण रही। रमेश पोखरियाल निशंक जी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव पिनानी में परमानंद पोखरियाल और विशंभरी देवी के घर में हुआ था। विकास के उजाले से दूर पिनानी गांव में रमेश पोखरियाल जी ने अपना जीवन बिताया। माता पिता निर्धन थे, इसलिए घर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता था। बावजूद इसके रमेश जी ने गरीबी से लड़ते हुए उस मुकाम को हासिल किया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। गरीबी को हथियार बना रमेश जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। तपती दोपहरी में नंगे पांव शिक्षा लेने जाते। उन्होंने उस दौरान उन मुसीबतों का सामना किया जो एक सामान्य बच्चा नहीं कर सकता। स्कूलिंग के बाद निशंक जी ने हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। बचपन से ही लेखन कला में महारथी थे, सो लेखन को ही अपना जीवन बना लिया। छात्र जीवन में ही उन्होंने साहित्य जगत में कई सम्मान हासिल कर अपने बुद्धिजीवी होने का प्रमाण दिया। रमेश पोखरियाल निशंक का विवाह कुसुमकांत पोखरियाल से हुआ। छोटे से गांव से लेकर राजनीतिक बनने तक का सफर काफी रोचक रहा। लगन, परिश्रमी और बौद्धिक कौशलता का परिचय देते हुए रमेश पोखरियाल जी ने हर मुसीबत का डटकर सामना किया। हमेशा विकास के सपने को अपने कलम के जरिए बहुत ही बारीकी से बुना और उस अंधेरे को दूर किया जो उनकी सफलता की राह में रोड़ा बनी। शायद यही वजह रही कि रमेश जी ने तमाम संघर्षों को हंसकर पार किया। रमेश पोखरियाल जी ने कभी भी राजनीति में आने का सपना नहीं देखा था, लेकिन उनके दूरदर्शी सोच ने उन्हें राजनीति के सिंहासन पर विराजमान कर दिया। निशंक जी उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के एक सुलझे हुए नेता हैं, जो वर्तमान समय में हरिद्वार क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। और लोकसभा आश्वासन समिति के अध्यक्ष भी। निशंक जी जब राजनीति के रण में उतरे तब लेखन के साथ पत्रकारिता भी कर रहे थे। राजनीति में आने के बाद सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का विकास करना उनका लक्ष्य है। कहते हैं मंजिलें इंसान के हौसलों को आजमाती हैं, तभी तो ठोकर इंसान को चलना सिखाती। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने अपने राजनीतिक युग की शुरुआत 1978 से की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने के बाद निशंक जी जनता की परेशानियों को अपना समझने लगे और उसे किस तरह से सुलझाया जाए इसके बारे में हर वक्त सोचते रहे। ।2009 में निशंक जी की किस्मत बदली, उन्हें उत्तराखंड की सत्ता का सबसे युवा सरताज बनाया। 2009 से 2011 तक अपनी दूरदर्शी सोच से पहाड़ की सरजमीन को चमका दिया। मुख्यमंत्री काल के दौरान निशंक जी ने राजनीतिक कौशल, ज्ञान और कौशल की सहायता से हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जटिल और संवेदनशील मुद्दों को सुलझाया।
रमेश पोखरियाल निशंक जी के कार्य अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर हिमालय संस्कृति को बढ़ावा दिया। लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बिक्री कर 4% से 1% कम किया। सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए 364 राशन डिपो खोले। 61,75,00,000 रुपए से 128 करोड़ रुपए के राजस्व में वृद्धि की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से पहाड़ी क्षेत्रों का विकास किया। पहाड़ी जीवन शैली के स्तर को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। गंगा नदी की स्वच्छता और उसे प्रदूषण मुक्त करने के लिए स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की। स्पर्श गंगा अभियान को लेकर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने स्वयं कहा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के 78 स्थानों पर स्पर्श गंगा टीमों द्वारा घाटों की सफाई और वृक्षारोपण कर माँ गंगा को अविरल, स्वच्छ और पवित्र रखने का संदेश दिया गया। माँ गंगा हमारी धरोहर है, जिसको साफ और स्वच्छ रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। रमेश पोखरियाल जी दूरदर्शी और गंभीर चिंतन वाले राजनीतिज्ञ, एक कवि होने के बावजूद निशंक जी ने राजनीति से अपने आप को जोड़े रखा और विकास की डगर को किस तरह से बढ़ाया जाए, हमेशा इस पर विचार विमर्श किया, जिसकी झलक उनकी लेखनी में भी दिखती है। रमेश पोखरियाल निशंक जी का राजनीतिक सफर। उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए 1978 में संघर्ष किया। साल 1987 में उत्तराखंड संघर्ष समिति के केंद्रीय प्रवक्ता के रूप में कार्य किया। निशंक जी ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उधम सिंह नगर और हरिद्वार को उत्तराखंड में मिलाने के कार्य में अहम योगदान दिया। सन 1991, सन 1993 और 1996 में लगातार 3 बार कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। उत्तर प्रदेश विधानसभा की अनेक समितियों के सदस्य और अध्यक्ष बने। वर्ष 1997 में उत्तर प्रदेश सरकार में श्री कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में पर्वतीय विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री बने। साल 1998 में उत्तर प्रदेश में संस्कृति, धर्मस्व और कला विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड गठन के बाद उत्तराखंड सरकार में वित्त, ग्रामीण विकास, पेयजल, चिकित्सा शिक्षा और राजस्व सहित 12 विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे। साल 2007 में थैलीसैंड विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। 2007 में ही उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आयुष, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं भाषा विभाग के कैबिनेट मंत्री रहे। 27 जून 2009 से 2011 तक उत्तराखंड के 5वें और सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल हुआ। 2012 में डोईवाला क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2014 में डोईवाला से इस्तीफा देकर हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के सांसद बने। वर्तमान में लोकसभा के सरकारी आश्वासन समिति के सभापति हैं। रमेश पोखरियाल जी राजनीति में करीब 3 दशकों का सफर तय कर चुके। निशंक जी एक सांसद के तौर पर आवाम की मूलभूत समस्याओं से रूबरू होते हैं और उसे दूर करने की हर संभव कोशिश करते हैं। निशंक जी अपने साहित्य सृजन को लेकर कई बार देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सम्मानित किए जा चुके हैं। उनकी सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृद्धांत नंदा देवी राजजात है, जो उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाती है। रमेश जी हमेशा प्रकृति के करीब रहे। उनकी मनोदशा और दुर्दशा पर उन्होंने कई लेख लिखे, जिसमें से उन्होंने मेरा हिमालय का जिक्र भी किया। इसमें कहा कि हमारी आध्यात्मिकता, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति, यहाँ तक कि हम सबका जीवन भी हिमालय का ही वरदान है। लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं इस विराट हिमालय के महत्ता का आकलन करने में असमर्थ हो गए। हमारी बुद्धि दिखावे के आदर्शों के घेरे में घिर गई। हम अपनी इस भूल को तभी सुधार सकते हैं जब हम हिमालय के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें, उसका सम्मान करें। आओ हम सब मिलकर इस महान, भव्य, पूजनीय हिमालय का संरक्षण और संवर्धन करें। राजनीति में अपनी खास पहचान बनाने वाले रमेश पोखरियाल निशंक वो शख्सियत हैं जिन्होंने कम उम्र में ही कई उपलब्धियां हासिल की। राजनीति के साथ साथ साहित्य और कविताओं में भी उन्हें कई सम्मान मिले।
निशंक जी के द्वारा लिखे हुए गीत आज भी टी सीरीज द्वारा प्रसारित होते रहते हैं, जो हमेशा से उनके लगन और लेखन कला की पेश कीमती परिचायक है। हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हम भारतवासी। पद्मश्री रक्सन बॉन, विख्यात साहित्यकार ने निशंक जी के बारे में कहा, राजनीति में अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद डॉक्टर निशंक जी लेखन का कार्य करते हैं। उनका लेखन राष्ट्र और लोगों को आपस में जोड़ता है। बेशक निशंक जी को उनके लेखन कला के लिए जाना जाता है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ की खूबी भी उनमें कूट कूट कर भरी। तभी तो बड़ी सहजता के साथ सुलझे तरीके से सभी समस्याओं को निपटा देते हैं। है हौसला तो आसमानों में उड़ान भर लो, दर्द तकलीफों की परवाह ना करो, सपनों को हकीकत का कारवा बना लो। बेहद संजीदा और सादगी रमेश पोखरियाल निशंक जी की छवि रही है। एक नेता के रूप में उन्होंने जितना भी काम किया सब विकास और जनता के हित में किया। ऐसे ओजस्वी गुणों वाले राजनेता और साहित्यकार को हम शत शत नमन अभिनंदन करते हैं।